श्री अकाल तख्त साहब नूं हमेशा चैलेंज करके रखिया, दो दो संगरांदा दो दो गुरपुरबां मनाईया, दिल्ली दे विच नहीं देश दी दुनिया दे विच इन्हां ने भंबड़ पुसा पाई रखिया और महाराज अकाल तख्त साहब दे हुकम नूं नहीं मनिया। और इस समय दे विच 9/27/2005 तो तनखा लगी हुई है, अज तक सरदार परमजीत सिंह सरना ने अपनी तनखा नहीं भुगताई। सो कौम दे विच अज भी यह तनखाई दे तौर ते घूम रहा है और इन्हां नूं कोई इस गल दी शर्म नहीं है और किसी चीज का लिहाज नहीं है कि जिस अकाल तख्त साहब दे उत्ते जाके कदी है दूसरे लोगों के खिलाफ गल करने की कोशिश करते हैं, मगर अकाल तख्त साहब दे उत्ते जाके इन्होंने कभी अपनी भुल नहीं बख्शाई। और दूजी हैरानी की गल कि इन्ना वड्डा मुद्दा होए जिथे अज पूरा पंथ इकट्ठा करके धर्मिंदर सिंह आनंद वर्गे नूं जिथे तनखा लाई जाती है, दूजे पासे एक मैं समझदा कि सरकारी दफ्तर की फाइल वर्गा ये जिहड़ा हुक्मनामा दर्ज किया गया फाइल दबा दी गई और जिन्होंने इसकी शिकायत की सी उस संस्था तक भी नहीं दस्या गया कि यह तनखा लगी है। कोई मीडिया का भरा साडा खड़े होकर दस्तावेज की जी मेरे को या मेरे बुजुर्ग पर या साडे मीडिया चैनल कभी यह खबर आई होए किसी प्रेस को पता होए कि भाई इन्हों उस समय तनखा लगी है, किसी को भी नहीं पता चलिया। एक तो साफ पता चलता है कि अवतार सिंह हित वर्गे आज तो नहीं शुरू तो बादल परिवार बचाता आ रहा, उस परिवार की चाकरी जी हमेशा करता रहा और एक पेड इंपलॉई सरना साहब का बन के ने जरा काम किया हमेशा कौम धरो घुमाया। मैं जथेदार अकाल तख्त साहब को बेनती करांगा कि इस महान पवित्र स्थान तो अकाल तख्त साहब तो कई फकरे कौम का खिताब दे के ऐलान किया गया, पंथ रत्न दिता गया, मगर इस बंदे जो अफंडेड क्रिमिनल है जिन्होंने लगातार तनखावां लगदियां आ रही है और यह तनखा एक जी गुप्त रखी हुई है, मैं समझता कि इस आदमी अवतार सिंह हित भी गद्दारे कौम का खिताब भी जरूर दिता जाना चाहिए। यहो जे बंदे जरा ताकि कौम के आने वाले लोगों को डर रहे कि श्री अकाल तख्त साहब के नाल खिलवाड़ करना चाहिए और सरदार परमजीत सिंह सरना फौरन तलब करके उस क्योंकि पिछले 17 साल तो जो तनखाइया के रूप में कौम के विचर रहा असं उन्होंने भी तनखा लानी चाहिए, ये उत्ते होर संज्ञान श्री अकाल तख्त साहब को करना चाहिए। मैं समझता कि यहोजे लोग अज जे एकत्र होए हुए हैं इकट्ठे हो के अपने आप को कभी किसी मुद्दे के उत्ते कहते असं इकट्ठे हुए हैं, बड़ी हैरानी की गल हुई है। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के चारों ये अपने आप को साबका प्रधान कहने वाले ये चारों उत्थे इकट्ठे बैठे हैं और अपनी मीटिंग के सरदार रणजीत सिंह जीके भी उस कह रहे हैं कि जी साडे कई वखरे वरे है मगर असं अज स्कूलों के मुद्दे के उत्ते इकट्ठे हैं। थोड़े दिन पहले कहते कि सिया पंथ के मुद्दों के उत्ते इकट्ठे हैं, जी जद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुद्दे ही पंथक ने स्कूलों के एजुकेशन भी एक गुरु पंथ की बहुत वही जी मैं समझता जिम्मेवारी है तो फिर थोड़ा वखरेवा किस गल का रहा। इसी कॉन्फ्रेंस हॉल के विच तुहाडे उत्ते किरपाना क्यों मारिया गया, तुहाडे तुहाडे आपस के विच जिहड़े वखरेवे सी तुहाडा कोई वखरेवा नहीं है, तुसीं हमेशा गुरु घर दीआं वा जिहड़ीआं सेवावां ने उहनूं सत्ता हासिल करन वास्ते तुसीं कब्जे करन वास्ते इक दूजे के खिलाफ रहे हो। अज तुहानूं अज संगत ने नकारता ते अज तुसीं चारों इकट्ठे होंगे और जथेदार अवतार सिंह हित वर्गा बंदा जिहड़ा उत्थे बैठ के इह गप कह रिहा होवे गल शब्दावली अपनी वरत रिहा होवे, जिहड़े स्कूलों के उत्ते मेरे एक वीर ने तुहाडे चों ही कल सवाल किया सी कि उहदे विच हित साहब नूं कि जिहड़ा स्कूल है हरिनगर का तुहाडे उत्ते इल्जाम लगदे और उत्थे भी उहने बैठ के चारां दी मौजूदगी दे विच उहदे विच हरविंदर सिंह सरना भी बैठे है, परमजीत सिंह सरना भी बैठे और मनजीत सिंह जीके भी बैठे है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच भी अवतार सिंह हित ने कहा कि उह स्कूल ते मेरा है। मैं समझदा कि अगर इह गल सरदार सरना साहब तुसीं इन्ने क अपने बंदियां नूं भी दस दिओ कि अगर तुसीं इस बंदे दी गल दी प्रोड़ता करदे हो ते तुहानूं उस वक्त चुप नहीं रहना चाहीदा सी, जे अगर प्रोड़ता नहीं करदे और अगर तुहाडी चुप्पी इस गल दी मैं समझदा कि बिल्कुल हामी भरदी है कि तुसीं भी कहंदे हो कि अवतार सिंह हित दा स्कूल है, इह लोकां नूं स्पष्ट करो कि तुहाडे लोकां दा अज स्टैंड की है, क्योंकि मनजीत सिंह जीके दा स्टैंड पता सी कि अवतार सिंह हित नूं उहने अपने समय दे विच सहूलतां दित्ती आ जिहड़े हरिनगर स्कूल की गल की और बड़ी डींगा मारिया कल अवतार सिंह हित ने कि स्कूल सानू दे दिओ असीं चला के दिखावांगे,
मैं संगत जी थोड़े लोगों दसना चाहता कि अवतार सिंह हित जिंदू मात्र 150-130 बच्चों का स्कूल दिता से मनजीत सिंह चीके ने सिर्फ 130 बच्चों का और 50 स्टाफ के बंदे इस बंदे ने रखे है 130 बच्चा ₹7,80,92,178 दिल्ली कमेटी दे बोलो और वखरा अदारियां तो इस स्कूल नूं दित्ता 7,80,92,000 ये महीने दी जिहड़ी इंस्टॉलमेंट आ तनखावां दे रूप दे विच और जिहड़े पैसे सरदार मनजीत सिंह जीके नूं जिहड़ा ये कैश कढ़ा के दिंदा रहा और अपनी वाइफ दे नाम दे उत्ते रामगढ़िया बैंक दे विच 10-10 लाख रुपए दी एफडीआं करांदा चला गया ये सरदार अवतार सिंह हित दी कारगुजारी रही अपने समय दे विच कल इन्हां ने जिहड़े स्कूलों के उत्ते भी गल की है स्कूलों के उत्ते कि भी असं इकट्ठा भी कर सकते हैं असं पैसे भी दे देंगे मैं समझदा कि जिन्होंने गुमराह किया संगत को सरदार परमजीत सिंह सरना कह रहे हैं कि असं 130 करोड़ छड़ के गए हैं जिन्हें भी फिगर तो ये जवाब तुम थोड़े नाल सजी बाँ सीट पर बैठा तुम मनजीत सिंह जीके को क्यों नहीं पूछ रहे भी तू पैसा कितने किया अज तुम साढ़े सवाल कर रहे हो मैं बड़ी हादसे आ रहा है सरदार मनजीत सिंह जी के कहना जी इन्हों जदादा जब्त कर लेनी चाहिए मैं बिल्कुल इस गल की हामी भरदा कि जिस बंद ने गुरु घर का धरोह कमाया हो जिस बंद ने गुरु घर का एक आना भी लैके गया हो बिल्कुल जांच होनी चाहिए है और संगत को बुला के जूते मारने चाहिए ने मैं समझदा कि जी लड़ाई अभी कोर्टा च लै गया जिसे करके अपने आप को बचाते रहे अमरजीत सिंह जी के अज उन्होंने जवाब संगत देनी चाहिए और जूते मार के योजे बंद को सवाल लेने चाहिए है कल नाल उन्होंने एक गल कही जी कि मैं सिफ्त पे कमीशन का देना चाहता सी मगर मैं उस वक्त सिरसे ने रोकता मैं सरदार मनजीत सिंह जीके पुछना चाहता लोगों को पलेदार तो तुम कहते हो तो सरसा अगर इन्ना स्ट्रोंग जी थोड़े होंगे उत्ते बैठे हुए फिर तुम कहा प्रधानगी करते रहे और जे थे नहीं सुनी जा रही तो फिर इस गल का भी जवाब तुम संगत को दे देंगे कि जिहड़ा 51 लाख रुपया तुम कढ़ के किसी संस्थावां नूं दिता बिना किसी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर की नॉलेज दे वह भी क्या तुहानूं किसी ने उस वक्त नहीं रोकिया तुम अज गल सिरसे नूं रोकण की गल कर रहे हो 51 लाख रुपया एक संस्था नूं दिता जिहड़ा पहले तुम इत्थे बैठ के मेरे को प्रैस कॉन्फ्रेंस कराई सी कि 51 लाख रुपया असीं बैंक दे विच डिपोजिट कराता 4 दिन बाद तुसी रसीद लैके आ गए कि जी 51 लाख रुपये 51 लाख 65 हज़ार जिहड़ा भी 1 लाख डॉलर की करंसी बनती सी उस वक्त की तुसी ये कहता कि ये असी फलानी संस्था नूं दिता 47 लाख रुपये दे तुसी बिल बनाते नकली तुसी उस वक्त तुसी तुहानूं ये नहीं होया कि तुहाडे तुसी किसी मैंबर नाल किस नाल गल करो 17-17-17-19 लाख रुपये दी फरवरी के महीने के बर्फा के बिल पाते रहे हो तद तुम इतनी बर्बाद की जब स्कूल देने की वारी आई तो तुम सरसे ने रोकता ये लोगों को गुमराह करना जीके साहब बंद करो लोगों लोग थोड़े बारे बड़ी चंगी तरीके जानते हैं कि तुम थोड़ी और थोड़े परिवार की की मोटिव सपरिंडी रही है लोगों को गुमराह करने के इसी करके तुम संगत ने नकारिया और जेडे सरना साहब की मैं गल कर रहा ये सरना साहब भी जवाब दे दें कि जेडे 130 करोड़ की गल की मनजीत सिंह जीके तो हिसाब लिया कि नहीं लिया क्योंकि जिस दिन मनजीत सिंह जीके प्रधानगी छड़ के नहीं गया इतों कढ़िया सारी कमेटी ने उन्होंने उस वक्त का जो फाइनैशियल स्टेटस है वह भी अगर अभी 2 दिन लिया होंगे क्योंकि स्कूलों को कलैक्ट करना सी मेरा मुद्दा अज का जी प्रैस कॉन्फ्रेंस का सी अकाल तख्त साहब के हुक्म का और अकाल तख्त साहब को असं बेनती करा कि यह जरा जवाब देता है हर जो हुक्म है सिर मे मना मगर जेडे बंद ने 2005 तो लैके अज तक 17 साल तक थोड़े अकाल तख्त साहब ने दिते हुक्म की पालना नहीं की उत्थे जाके एक देख कराणी की उत्थे जाके भुल बखशाण वैसे बर्दाश्त नहीं की उस बंद अज कौम के खड़ा नाल करता और वह जथेबंदी नाल चला रही है जिन्होंने असं सारे श्रोमणी कहते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान साहब जिन्होंने अब अपील कर रहे हैं कि सरना साहब साढ़े वैसे ये काम कर दौ साढ़े को प्रधानमंत्री को समा लै दौ
मैं चाहना कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब भी अपनी जिम्मेवारी समझ इस गल का संज्ञान लैन कि जिन्हों बंद ने अकाल तख्त साहब के नाल धरोह कमाया अकाल तख्त साहब को कुछ नहीं समझा पिछले 17 साल तो उन्होंने भी यह कमेटियां तुम हिस्सा पा के जिस तरीके इस मूवमेंट को गुरदूर करने की कोशिश की है तो भी कितने ना कि जवाबदारी जरूर बनती है। सो अज का यह मुद्दा से ये उत्ते किसी ने भी सवाल जवाब करना हो क्योंकि बहुत ज्यादा एलीगेशन एक दूजे से लाने की कोशिश की है। और मैं एक गल भी दसना चाहता कल पहली वैसे तो मैं समझता नहीं कि अवतार सिंह हित की गल का कोई जवाब देना चाहता उन्हें मगर कॉन्टीन्यूस अपनी गल की 2013 तो लैके अज तक हरमीत सिंह कालका स्कूल का चेयरमैन रहा सदा मैं उन्होंने गल का बुरा नहीं मानता क्योंकि इस उम्र जाके सटैनापन जरूर आ जाता है। सरदार अवतार सिंह जित इस गल का पता होना चाहिए कि 2013 तो लैके जब जित के आया 2015 तक सरदार मनजीत सिंह का चहेता सरदार गुरविंदर सिंह चेयरमैन से एजुकेशन का यह सारिया पॉलिसिया उन्होंने बनवाइया नाल इन्होंने पुराने सबका जनरल सकत्तर तरमोहन सिंह ने बैठ के दास को जी जिम्मेवारी मिली 2015 तो लैके 2017 तक और 2017 तो बाद सरदार परमजीत सिंह सरना के जो कैंडीडेट रहे हैं सरदार कुलवंत सिंह वाट उन्होंने चेयरमैनी की है। सो इस करके इकली गल क्योंकि अब थोड़े लोगों तन चार कुछ नहीं दिख रहा सवाए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के काबिल होने के अलावा तुम कुछ नज़र नहीं आ रहा और तुम लोग एक दूजे की गलों क्योंकि अपने आप घेरे चो तुम अपने आप को बचाते हो। मैं कल देख रहा कि सरदार हरविंदर सिंह सरना ने कहा जी कि 3 साल की जांच होनी चाहिए है तो ना ही फटाफट कैमरे माइक खिंच ले कि परमजीत सिंह सरना ने कहा नहीं जी 8 साल की होनी चाहिए है फिर चलो एक दूजे को चुंडी मार रहे हैं यार 8 साल है तो मनजीत भी फस जाएगा। तो मैं समझता कि जब तो ये स्कूलों का मैटर शुरू होया 2006 तो सिक्स फिफ्थ कमीशन लग्या जब तो कार्रवाई शुरू हुई है सारी जांच होनी चाहिए और ये जांच कराने के कोई दिल्ली का वड्डा सियाने जिहड़े सिख हैगे है वह अगे आ असं उन्होंने कोऑपरेट करांगे और उन्होंने पूरा सहयोग देंगे कि इसकी पूरी जांच करो कि किस समय के प्रॉब्लम आई है और जिहड़ी कमेटी ने पिछले 3 साल 80 करोड़ रुपए तो उत्ते स्कूलों की मदद की है उन्होंने उत्ते अच्छ स्टाफ जिस तरीके का विश्वास करके बैठा है और स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर